अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का आखिर मकदम है। रमज़ान का आखिरी अशरा चल रहा है, महज कुछ ही दिनों में ईद उल फित्र मनाई जाएगी। साथ में सियासी सरगर्मियां भी शिद्दत अख्तियार करते हुए देखा जा रहा है। बहुत कुछ तब्दील हो रहा है, कुछ भाजपा के रास्ते पर चले हैं तो कई सारे कांग्रेस का परचम थामे हुए उसी रास्ते पर देखे जा रहे हैं। आज भाजपा का सीनियर लीडर और नायब वज़ीर आला बने लक्ष्मण सऊदी का टिकट भाजपा ने काट दिया। जाहिर अब नाराज हुए हैं तो इंतकामी जज्बे से कांग्रेस में शामिल भी हो चुके हैं, लिहाजा इख्तदार का ऊंट किस करोड़ बैठेगा ये तो वक्त ही बता देगा। लेकिन भाजपा में जो भगदड़ देखी जा रही है यकीनन कांग्रेस के हक में फायदेमंद है, लिहाजा अब कांग्रेस की फहरिस्त भी जल्द जाहिर होनी है। इंतजार चल रहा है, कईयों की सांस अटकी हुई है, बहुत कम वक्त बाकी है। आखिर कैनवासिंग करेंगे भी तो कैसे है, ये भी सवाल आन खड़ा हुआ है। खैर, इन तमाम के दरमियान कुछ अलग मौजू पर बात करना जरूरी समझ रहा हूँ। मुस्लिम माशरा वैसे तो सौ मसलात में मसरूफ है, रमजान का मुबारक महीना जारी है, लेकिन एक तस्वीर ऐसी भी निकल कर आ रही है जिससे मुस्लिम समाज को शर्म से अपने सरों को झुकाना पड़ रहा है। रमजान जैसे मुबारक महीने में मुस्लिम लड़कियां गैरों के साथ लॉजिस में पकड़ी जा रही है, यह सबसे बड़ा सवाल आज खड़ा हुआ है। आरएसएस की तरफ से साजिशें चली जा रही है, पर इसका तस्करा हमारे माशरे में करना जरूरी नहीं समझा जाता। आरएसएस खुले आम पर्चे बनाकर एक समाज के खिलाफ खुलकर जहर घोलते हुए मुस्लिम लड़कियों के इज्जतों से कैसे खिलवाड़ किया जाए, इसकी तरबियत अपने नौजवानों को देता रहता है। पर अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि मुस्लिम घरों में, खानदानों, परिवारों में इस साजिश के बारे में बताना जरूरी नहीं समझा जाता या बताया नहीं जाता। इससे पहले भी हमने इस मौजू पर तबसरा किया हुआ है। रमजान जैसे मुबारक महीने में भी मुस्लिम लड़कियां का मुर्तद होना एक लम्हे फिक्र है। कुछ लड़कियां बाज नहीं आ रही है, अगर ऐसे कहा जाए तो गलत ना होगा। मुस्लिम समाज किस अखलाक की पस्ती में गिरता जा रहा है, महज इन बातों से अंदाजा ही लगाया जा सकता है। कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। सवाल ये खड़ा होता है कि बढ़ती बेहयाई, बेशर्मी और इस तरह मुर्तद होती मुस्लिम बेटियों के लिए आखिर किसे जिम्मेदार ठहराया जाए। एक रिपोर्ट के मुताबिक, ये सुनकर आपको बड़ा ताज्जुब होगा लेकिन ये हकीकत है, कि 80% इन मामलों में उन लड़कियों की माएँ ही जिम्मेदार होती हैं। जब लड़की बालिग होती है और जब माँ बाप की जिम्मेदारी होती है कि बालिग लड़कियों पर नज़र रखे, नहीं रखा जाता, क्योंकि माँ को पता होता है कि अपनी लाडली क्या गुल खिला रही है। भोपाल में रमज़ान के वक्त कुछ लड़कियाँ ओयो होटल में पकड़ी गई। जब बाप और भाई तरावी पढ़ने के लिए मस्जिद गए हुए थे, सवाल उन माओं पर भी उठाना लाजिम हो जाता है कि जब लड़कियां शॉपिंग के बहाने, सहेलियों के बहाने देर रात तक घर से बाहर निकल जाती हैं। मजीद ताज्जुब तो इस बात पर होता है कि जब सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप के जरिए गैर मुस्लिम लड़कों से ताल्लुक रखते हैं, जब बच्ची 12 साल की हो जाती है तो बेटी के चाल चलन को माँ को समझ लेना चाहिए कि बेटी क्या गुल खिला रही है। बिना वजह सजना सवरना, मोबाइल में हमेशा बिजी रहना, चैटिंग हर लम्हा जारी रखना, पूछने पर किसी सहेली का नाम बताना, सहेली के घर या फिर नोट्स के बहाने घरों से बाहर जाती है तो इसका इल्म माओं को ही रहता है, पर इज्जत खराब होने का गोया ये माएँ इंतजार करती हैं। बाप बेचारा तो अपनी मसरूफियत में वो मसरूफ रहता है, किसी तरह से घर के अखराजात को मुकम्मल करे यही सोचकर वो बाहर रहता है। माँ को जब जरा बराबर भी शक हो जाए तो बेटियों को अपनी नजरों से दूर नहीं होने देना चाहिए, हमेशा अपने साथ रखे। पर अफसोस के साथ खुद माएँ ही चैटिंग में बिजी रहती है तो फिर बेटियाँ क्यों ना आज़ाद पंछी बनकर उड़ नहीं जाएगी। मोबाइल से तो दूर रखना ही है, लेकिन लड़कियों के अलग अलग बहानों पर भी नज़र रखनी होगी। एक साजिश के तहत मुस्लिम लड़कियों का रमज़ान में भी निशाना बनाया जा रहा है और यह बात मुस्लिम समाज के लिए नहायत ही शर्मनाक कह सकते हैं। अगर हम अपने घरों की इज्जत ही बचा पाने के काबिल नहीं हैं तो बताए तो सही कि इस माशरे का तहफ्फुज कैसे कर पाएंगे। ये अलग बात है कि जो लड़कियां मुर्तद हो रही हैं इनकी क्या हालत है, इन्हें कैसे झूठे वादों में फंसा कर फिर इन पर किस तरह से जुल्म ज्यादती के पहाड़ तोड़े जाते हैं, इनकी जिंदगियों से कैसे खिलवाड़ किया जा रहा है, बहुत ही संजीदा मौजू है। रमजान के मुबारक महीने में इस मसले पर संजीदा तौर पर 12 मशवरे होने चाहिए थे, लेकिन अब तक किसी भी मस्जिद में इस पर बयान नहीं सुनाया गया। हमने रमजान को महज सैर इफ्तारी तक ही महदूद रखा है। अब तो बेलगाम में खड़े बाजार, दरबार गली में रात को लड़कियों का भी नजारा देखने को मिल रहा है। खैर, कुछ वारदातें, कुछ हादसे जिन्हें मुसलमान से हिंदू बनाया गया, इनकी कैफियत और कुछ जगहों पर मुस्लिम लड़कियों को गैर लड़के किस तरह अलग अलग जगहों पर पाए जा रहे हैं, इसके वीडियोस आखिर में देख सकते हैं। आज का मौजू कैसा लगा इस पर जरूर कमेंट करें। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। मुस्लिम बना कुटलामा।
இன்னும் இல்லை ப்ரோ, இது லவ் பண்ணுறோம் அது கூட இது பண்ணுறோம் ப்ரோ. அது நாங்கள் லவ் பண்ணுங்க ப்ரோ. புர்கா கைட்டு லவ் பண்ணுங்க. புர்கா கைட்டு சொல்லுங்க. எதுக்கு புர்கா போட்டுன்னு பார்க்குறாங்க, தெரிஞ்சு பார்ப்பாங்க. இதுதான் பார்க்குறாங்க சொல்லி பயம் இருக்கிறவங்க எதுக்கு ஹிஜாப் போட்டுன்னு வராங்க. சரி கல்ட்டு சொல்லுங்க, கைட்டு சொல்லுங்க. வா கேள்வா. வயசுல பெரியவங்களா இருக்கீங்க, நாங்க போய் கேக்குற அளவுக்கு வச்சுக்கிறீங்க நீங்க. நீங்களே அது புரிஞ்சு செஞ்சு ப்ரோ. ஹிஜாப் எல்லாம் என்ன நானு? சரி ப்ரோ, இது பண்ணி விடுங்க பார்த்து. சரி கைட்ட சொல்லுங்க. நம்ம சோழியங்கள்லேருந்து இங்கே வந்திருக்கீங்க. எந்த காலேஜ்மா? எந்த காலேஜ்? அமிர்தா காலேஜ். இங்கயா? நீங்க எந்த ஊரா வேணாரு? சரியா, நீ எந்த ஊரா வேணாரு? மாஸ்க் எடுத்துட்டு போ சொல்லு. அப்பனா எது கூட்டினார? ஏ சந்தோஷா பாருங்க, ஃபோன் பண்ண விடாத, ஃபோன் பண்ண விடாத, ஃபோன் பண்ண விடாதப்பா. யார் ஃபோன் பண்ற? நீ எனக்கும் ஐயோ, ஸ்டேஷனுக்கு நாங்களே அங்கே தான் போக போகிறோம். வாங்க போகலாம் ஸ்டேஷனுக்கு தானே. வாங்க அங்கே தான் போக போகிறோம். வாங்க சென்னையிலேருந்து கூப்பிட்டு நீங்கள் போப்பா. நான் உங்களை எதுவும் சொல்லப்பா, அந்த பொண்ணுக்கிட்ட தான் நீங்கள் கேட்டுனுக்கிறேன். நான் உங்களுக்கு என்னண்ணா? ஒன்றும் இல்லைப்பா. தலைவரே, எந்த ஊர் தலைவர்? எந்த ஊர்? எந்த ஊர் நீங்கள்? இவங்க பாருங்க, போனீங்கன்னா நேராக ஜமாத்துக்கு தான் போவோம். இப்போ ஜமாத்துக்கு போகணும் இல்லைன்னா ஸ்டேஷன் போகணும். என்னண்ணா ஒரு செகண்ட் இருந்தா, என்னண்ணா பிரச்சனை? இப்போ வீடியோலாம் நான் எடுக்கிறீங்க? இருந்தா வீடியோ எடுக்கிறீங்களா? வீடியோ நான் எடுப்பேன்பா. என்னத்துக்கு எடுக்கிறீங்க? நான் எடுப்பேன். ஹிஜாப் போட்டு எப்படி அவங்க வெளியே வராங்க? ஹிஜாப்புக்கு தனி மரியாதை இருக்கு, எப்படி அவங்க வெளியே வராங்க ஹிஜாப் போட்டு? எதே ஊர் நீங்கள்? மூஞ்சிலேருந்து கையடி. எதே ஊர் நீங்கள்? எந்த ஊர் சொன்னாதானப்பா? ஊர் பேர் சொல்ல. பாகாயம். அந்த பொண்ணு? அந்த பொண்ணு எந்த ஊர்? அந்த பொண்ணு எந்த ஊர்? எந்த ஊர்? எந்த ஊர்ப்பா? லக்ஷ்மி தியேட்டரா? முஸ்லீம் பொண்ணு தானே? இந்து பொண்ணா? கூட்டினர்லாம் அது மாரி. வாங்க வெளியே வாங்க. ஓ புர்கா நிக்கால குத்தும். புர்கா நிக்கால பிற புர்கா ஹமார இஸ்லாம் கா தூ டேட் கா சோபித் பின்னா வாசகா புர்கா தும்னா புர்கா நிக்கால கோ பிற ஸ்டேஷன். அச்சா ஆ ஸ்டேஷன் கோ ஜாங்கே, ஸ்டேஷன் கோ ஜாங்கே. சலோ மேரேஜ்
और मैं लड़की नॉन मुस्लिम थी, इसके लिए मैंने अपना धर्म बदल दिया। इससे ज्यादा एक लड़की क्या कर सकती? क्या धर्म बदल दिया मतलब? मैं मुस्लिम से हिंदू बन गई। अच्छा, ये बात आप पहले नहीं बताए, आप पहले मुस्लिम थे? हाँ। क्या नाम था पहले? मेरा पहला नाम सुमेरा। सुमेरा हनी। सुमेरा हनी पहले। अच्छा, शादी के बाद जो है मेरा अंजलि सिंह बन गया। अच्छा, पहले आप मुस्लिम थे? हाँ। उसके बाद धर्म बदल के शादी किए? अच्छा, कोर्ट में शादी किए। हाँ। तो इसने बोला ये नामकरण कहाँ पे हुआ था? नामकरण कोर्ट में ही हुआ। मामला क्या है कि ये लड़का एक नंबर का फ्रॉड है, मेरे साथ चीट किया है, शादी के जहाँ शादी की मुझे फंसा लिया है। अच्छा। बस ऐसे क्योंकि मेरे पापा नहीं है, भाई नहीं है, इसके बस झूठे मोटे दिलासा दिला कि हम तुम्हारा साथ देंगे, ये करेंगे, बहाना से मुझे नेटवर्किंग मार्केटिंग के बहाना से मुझे ले गया और मेरे साथ रिलेशनशिप में रहा और मेरी मांग में सिंदूर भी भर दिया। अब कहता है कि हम शादी नहीं की है। कैसे परिचय हुआ था इससे आपको? बस ये नेटवर्किंग मार्केटिंग की वजह से। कहाँ का मामला है ये? सकरा थाना। शिकायत भी कहीं की थी? हम शिकायत किए सकरा थाना में भी किए, महिला थाना भी किए हैं, महिला आयोग में भी किए, सब जगह किए हैं। कितना दिन तक रहा चला था? एक साल तक मेरे साथ रहा है ये लड़का। तो उसके बीच मेरे पेट में 2 महीना 20 रोज का बेबी भी था, जिसने इसने माँ और बेटा दोनों मिलके बच्चा को अबॉर्शन करा दिया जबरदस्ती दवा खिला के। हाँ, शिकायत किए, एसपी सर के यहाँ भी किए, सब जगह किए, समाज में 3-4 पंचायती भी हो, पंचायती को नहीं मानता है, बोलता कि तुम मुस्लिम हो और हम हिंदू, बस हम मुस्लिम को यूज करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। मेरा नाम फिरदौस बानू है। क्या हुआ है आपके साथ, क्या घटना घटी है? मैंने 4 साल पहले लव मैरिज की थी, हिंदू के साथ मैंने शादी की थी, तो 3 साल तक मैंने अपने घर वालों को नहीं बताया, ये मुझे बहुत मारता था, बहुत टॉर्चर करता था हर एक चीज़ के लिए, तो मैं बहुत बर्दाश्त करी। फिर कुछ दिन हुआ तो ये मेरे साथ मतलब बहुत गंदी ज़बरदस्ती करता था, जब देखो तो पैसे मांगता था कि मुझे पैसे दे, फिर बोलने लगा कि तू दहेज नहीं लाई है, तू जाए यहाँ से, तुम्हारे में 3 बार बोलने में तलाक हो जाता है, तो मैं तुझे तलाक देता हूँ, अब तू यहाँ से निकल जा। धर्मांतरण के लिए उसको हमने किसी प्रकार का किसी को कोई दबाव नहीं बनाया, कोई गजेटेड ऑफिसर है, 36 साल का आदमी, जब शादी तरफ से उनकी तरफ से मुझे धर्मांतरण तो मेरा ही हुआ है ना, मैंने सनातन धर्म लिया, ये हिंदुस्तान है, यहाँ कभी कोई भी पति का जो धर्म होता है वो पत्नी का धर्म होता है, यहाँ कोई किसी का धर्म, आपको इतनी आज़ादी थोड़ी है कि आप अपना अपना धर्म इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले भी कोई से कौन है ये जिला आपका मामला है, कौन से थाना क्षेत्र का मामला जी? ये भवरकुआ थाना क्षेत्र का मामला है और पुलिस मुझे हमेशा परेशान कर रही है, भवरकुआ थाने ने मुझे बहुत परेशान किया, मतलब मैं फरियादी हूँ, उनको मेरे पास आना चाहिए, मुझे बार बार बुला रहे हैं, मेरी तबीयत अच्छी नहीं है, फिर भी वो मुझे मतलब हर तरह से फोन लगा रहे हैं और ये बंदा मुझे अलग अलग से अब्यूज कर रहा है कि तुम इंदौर छोड़ के चले जाओ वरना तुम्हारी बैंड बजा दूंगा मैं और तुमको से मार दूंगा और अब तुम अपना मुंह अल्लाह को ही दिखा पाओगी, मतलब ये क्या है, दिस इज नॉट द वे। मेरा नाम आसमा है, मेरे पापा का नाम जागीराम है, मैं बवाना में रहती हूँ। मैंने आज से 6 साल पहले पवन नाम के लड़के के साथ कोर्ट मैरिज करी थी। पवन मेरे साथ बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा करता था, मार पिटाई करता था, गाली गलौज करता था, घर पे यार दोस्तों को लेके आता था, शराब पीता था, अपने यार दोस्तों को घर पे बिठा के अपने बहनोइयों को वहाँ पे छोड़ के वहाँ से जानबूझकर चला जाता था। उसके जाने के बाद उसके यार दोस्त मेरे साथ मिसबिहेव करते थे, बदतमीज़ी करते थे, मैं बोलती चिल्लाती तो बोलते कि हमने पवन को तेरे साथ मस्ती करने के लिए हमने 3,000 रुपये दिए हैं, पवन आता तो मैं बोलती कि ऐसा क्यों, तो बोलता कि नहीं, मैं बोलती कि नहीं ऐसा नहीं होगा, तो बोलता कि जो मैं बोलूँगा तुझे वैसा करना पड़ेगा, तुझे ऐसे ही रहना पड़ेगा, या तो तू अपने घर वालों से मुझे पैसे दिलवा या फिर तू उनसे मेरे को हिस्सा दिलवा, अगर ऐसा नहीं करेगी तो जैसे मैं बोलूँगा तुझे वैसे पैसे कमाने पड़ेंगे। शादी साथ में पहले हुई थी, वहाँ पे मंदिर में हुई थी शादी, फिर उसके बाद में ये हमारे साथ रहने लगा, रहते रहते फिर उसके बाद में परसों हमको छोड़ के भाग गया, सब सामान वामान लेके, ये नहीं पता इसके घर वालों ने भगवा दिया। कब से जानती हूँ आप इन्हें? हमें हो गए 3-4 साल। कहाँ रहते थे? यहीं बरेली में रहते, हमसे जो है यहीं पे हम अपनी जॉब पे थे, अपना ये सामान सब भाग गए, हमको गाली बुलवा दो बस और कुछ नहीं।